नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मॉनसून के दौरान हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वालों के लिए राहत की खबर है। बता दें कि 30 जून के बाद केदारनाथ धाम में हिमालयन कंपनी की ओर से श्रद्धालुओं को हेली सेवाएं दी जाएंगी, जबकि 5 जुलाई तक आर्यन एविएशन की ओर से केदारनाथ धाम में हेली सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने कहा कि इससे पहले हेली सेवा कंपनियों की ओर से मानसून के दौरान सामान्यतः केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बंद कर दी जाती थी। ऐसे में यह एक सकारात्मक कदम है कि बरसात के दिनों में भी तीर्थ यात्रियों को हेली सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हेली सेवा के लिए जरूरी नियमों का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा की सुविधा दी जाती है। यहां 9 कंपनियों के हेली सेवा संचालित की जाती है। वहीं पहली बार इस साल मानसून में भी श्रद्धालुओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। वहीं हिमालयन कंपनी की ओर से मानसून के दौरान उड़ान भरने के लिए एक दिन में 3 से 40 शटल संचालित की जाएगी, जिसमें हर दिन करीब 200 से 250 तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा।